नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया विधिक जागरूकता शिविर। इस शिविर के माध्यम से ये सभी को अवगत कराया गया कि यदि कोई गरीब व्यक्ति आ जाए तो किस तरह से उसकी निःशुल्क सहायता की जाए। इस अवसर पर सभी अभिभाषकों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। इस रैली के माध्यम से लोगों में विधिक सहायता हेतु जागरूकता भी बढ़ाई गई, ताकि सभी लोगों को न्याय मिल सके। और इसी उद्देश्य के सभी को इस तरह की व्यवस्था हो। अब संविधान में 39 का अनुच्छेद के रूप में उसे समाविष्ट किया गया। जब बात बनी नहीं कि ड्यूटी कास्ट की गई स्टेट गवर्नमेंट लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। समय समय पर ऐसे मुकदमे जो न्यायालय के बाहर हैं, लेकिन उनके तो हमारे देश का इतिहास देखें तो हमारे देश में आर्थिक असमानताएं बहुत ज्यादा रही हैं। अमीरी गरीबी में बहुत ज्यादा अंतर रहा है। तो मात्र एक व्यक्ति का अधिकार देने से तो आर्थिक असमानता की वजह से, क्योंकि कोई मुकाबला नहीं, एक आदमी अगर बहुत रिच है और सामने बहुत गरीब है तो वो एडजस्ट कर नहीं सकता था। तो लीगल एड थी नहीं, ऐसा कोई स्कीम नहीं थी। तो इसी को दृष्टि रखते हुए पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट को लाया गया, ताकि गरीब आदमी को भी पूरा जस्टिस मिल सके और उसे लीगल एड मिले, ताकि वो भी बराबर से मुकाबला कर सके। इससे आने से काफ़ी मदद मिली है। और ये 3-tier सिस्टम है, नेशनल लीगल नालसा दिल्ली, हर स्टेट में सालसा, डिस्ट्रिक्ट डालसा, डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी है। तो इसके अंदर बड़ी व्यापक स्कीम्स चल रही है जो गरीबों को मदद कर रही है, और लीगल एड काफ़ी मिल भी रही है और काफ़ी सफल हुई है। टीपू सुल्तान जयंती की पूर्व संध्या पर युवाओं ने किया टीपू को याद, साथ ही फिक्रे मिल्लत गुना ने लगाई प्रदर्शनी। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की जन्म जयंती गुना में मनाई गई। गुरुवार को जयंती की पूर्व संध्या पर फिक्रे मिल्लत के युवाओं ने नगर पालिका भवन के सामने एक प्रदर्शनी आयोजित की। वह आने जाने वालों को टीपू सुल्तान के जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्यों के बारे में अवगत कराया। काले भाई व एडवोकेट मजर आलम के संरक्षण में आयोजित की गई इस कार्यक्रम में फिक्रे मिल्लत के संयोजक मोहसिन कुरैशी ने बताया कि मुस्लिम अपने वतन हिंदुस्तान से अपनी जान से ज्यादा प्रेम करते हैं। वह जरूरत पड़ने पर एक एक मुस्लिम युवा देश हित की हिफाजत के लिए टीपू सुल्तान बनकर देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने को तैयार है। साथ ही यह भी बताया कि टीपू सुल्तान ने अपने प्राणों की आहुति देकर शहादत स्वीकार कर ली, लेकिन अपने जीते जीत अंग्रेजों की संपूर्ण भारत पर शासन करने के सपने को साकार नहीं होने दिया। आगे उन्होंने बताया कि शुक्रवार को टीपू सुल्तान जयंती के उपलक्ष्य में जामा मस्जिद कैंट में एक जलसे का आयोजन किया जाएगा, जो रात्रि 8 बजे से प्रारंभ होगा। कार्यक्रम में मोहसिन कुरैशी के साथ अल्ताफ मंसूरी, कादिर शेख, आमिर रायन, मुखलिस खान, सोहेल खान, साहिल खान, मोनू, मोंटू, लक्की पठान, तालिब फारूकी, मुशाद शाह, छोटे भाई भानु खान आदि उपस्थित रहे। देश के पहले स्वतंत्र संग्राम सेनानी व पहले मिसाइल मैन इस दुनिया के हजरत टीपू सुल्तान का आज पूर्व संध्या पर हम यहाँ पर उनके जीवन के कुछ रोचक तथ्य बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि
हजरात इकट्ठे किए थे इस पूरे मौजू पर टीपू सुल्तान यूथ विंग फिक्रे मिल्लत और मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज गिव द चेंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक इंडियन प्रेस एसोसिएशन थे। इसमें एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें किस तरह से शैक्षणिक योग्यताओं का अवलोकन किया जाए व गरीब बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सके, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को किस तरह से चयन कर उन्हें निःशुल्क अध्ययन कराया जा सके। संगोष्ठी में गुना की CSP श्रद्धा जोशी मौजूद रही। इस मौके पर श्रद्धा जोशी ने छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी भी सुनाई। जवाब नहीं दिया, भैरी थी क्या सुनाई पड़ता। वो ड्राइंग रूम में गए, दूसरी बार पूछा भागवत क्या सब्जी बनी है, कोई जवाब नहीं। तीसरी बार पूछा किचन में जाके क्या सब्जी बनी है, नहीं जवाब। शानदार शिक्षक हैं, शानदार प्रकृति है, पूरा ब्रह्मांड आपके लिए लगा हुआ है। ऐसा कंप्लेंट प्लीज मत करना कि लोग हमारी नहीं सुन रहे। पूरी सरकारें, पूरे 10,000 वर्ष गौरवशाली परंपराओं वाला देश है हमारा, महान शिक्षकों का देश है हमारा। पूरे स्कूल स्टाफ और मेरी प्यारी बच्चियाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया है। एंड उसके बाद मुझे जो स्वागत बेला में जो पौधों का है कि पौधों से पौधे देकर स्वागत किया गया है, वो रियली थैंकफुल हूँ मैं उसकी। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है कि पौधा देकर आपने स्वागत किया है, क्योंकि फूल तो खुशबू देते हैं लेकिन एक जो पौधा है और विशेषकर जो औषधि पौधा है वो तो हमको लाभ ही देगा। सेकेंडली है, आई एम नॉट ए स्पीकर, मैं स्पीकर नहीं हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूँ, बट हाँ मैं वो हूँ कि मैं जिसे अपनी बातें शेयर करूँ और शायद उन बातों से बात करूँगी। एक जैसे कहानी सुनाई है, मैं भी एक कहानी यहाँ पर सुनाऊँगी कि एक 4 साल की बच्ची, कहानी नहीं है वो रियलिटी है, एक चाइना है, ईस्टर्न चाइना, वहाँ पर एक बच्ची थी ली जुहांग। उसने अपने 4 साल, जब वो 4 साल की थी उसने अपने दोनों पैर खो दिए थे, ट्रक से वो ट्रक के नीचे आई थी, दोनों पैर उसके चले गए थे, डॉक्टर्स ने सब सारा कुछ बोल दिया था, वो हॉस्पिटलाइज रही बहुत दिनों तक। और आज ये स्थिति है कि वो आज दूरस्थ इलाकों में पहाड़ चढ़ के, पहाड़ों को पार करके आज वो सबसे पहले तो एक डॉक्टर है और वो दूसरों का इलाज कर रही है। तो इससे हम सोच सकते हैं कि कभी भी कोई चीज़ हमें रोक नहीं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुना में इंडियन प्रेस एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजन आयोजित है। यह आयोजन है वीडी चेंज, यह इसका पहला चरण है। इसमें आओ परिचर्चा करें के अंतर्गत इस कार्यक्रम का उद्देश्य है शैक्षणिक स्तर का आकलन करना, करियर मार्गदर्शन प्रदान करना, शासकीय आशासकीय सहयोग की जानकारी देना, प्रतिभाशाली एवं आर्थिक रूप से असक्षम छात्र छात्राओं का चयन कर निःशुल्क प्रशिक्षण की संभावना को मूर्त रूप प्रदान करना और राष्ट्र प्रेम, स्वचेतना और अनुशासन की भावना विकसित करना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज मार्गदर्शन के लिए CSP मैडम श्रद्धा जोशी उपस्थित हैं, साथ ही डॉक्टर जिमी कुशवाहा ब्रांच हेड कौटिल्य अकेडमी के उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम के समन्वयक के रूप में गगन अवस्थी प्रशिक्षक व्यक्तित्व विकास एवं मानव चाइल्ड मनोविज्ञान उपस्थित हैं। और महारानी लक्ष्मी विद्यालय में कार्यक्रम है और शिक्षिका 10वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। जिला पुलिस अधीक्षक निमेश अग्रवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे फरार स्थायी वारंटियों को पकड़ने में सिटी कोतवाली पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। TI विवेक अस्थाना ने बताया कि स्थायी वारंटी मुन्नालाल पुत्र बाबूलाल बसोड़, अफजल खान पुत्र छोटेलाल खान एवं राजू नामदेव पुत्र गोपाल नामदेव कई वर्षों से फरार चल रहे थे। इन तीनों ही फरार वारंटियों को आरक्षक सुरेंद्र मिश्रा एवं सैनिक बुंदेल लोधा ने पकड़ा है। तीनों ही वारंटियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है।
आज शहर में शुरू हुई एक अनोखी परिपाटी, जिसके अनुसार जब भी और जहां भी नगर पालिका परिषद कोई भूमि पूजन करेगी तो वहां पर कम से कम 15 गरीब लोगों को कपड़े वितरित किए जाएंगे। इसी के मद्देनजर प्राथमिक विद्यालय पुरानी छावनी में बाउंड्री वॉल निर्माण के भूमि पूजन के दौरान 15 गरीब लोगों को कपड़े वितरित किए गए। इनमें 5 कामकाजी महिलाएं, 5 ठेला संचालक तथा 5 काम करने वाले मजदूरों को कपड़े वितरित किए गए। आपको बता दें कि प्रत्येक शासकीय स्कूल के बाहर करीब 80 लाख रुपए की लागत से बाउंड्री वॉल का निर्माण होना है। आज इस भूमि पूजन कार्यक्रम के मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा, विधायक पन्नालाल शाक्य, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष हरि सिंह यादव, मनोज दुबे एवं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं आमजन मौजूद रहे। और माननीय नगर पालिका अध्यक्ष संजय जी के साथ में प्रधान अध्यापक पुरानी छावनी श्रीमती संतोष बिहारी मैडम आए और महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीमती शांति राजेश मध्य प्रदेश राज्य पंचायत में श्री रामचंद्र शर्मा हमारे सभी पार्षदों का सम्मान अभी जो कार्यक्रम अभी तसल्ली तो रख लो ना, बाकी जा नहीं जा सकते, नहीं 2 मिनट सुन नहीं सकते, सुनेंगे ना कब, स्वागत में चल रहा हूँ। मनोज श्रीमती मायावाई श्रीमती ओम बाई श्री मनोज जी, श्री मनोज मनोज श्री कौन हो रहे से ये काम संपन्न किए जा रहे हैं और नगर चौमुखी विकास की ओर बढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में। और भारतीय जनता पार्टी का मुख्य नारा यही रहा है, मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि विकास का मापदंड अगले व्यक्ति से या ऊंचे व्यक्तियों से ना तय किया जा करके, जो समाज की पंक्ति में जो गरीब अंतिम छोर पर जो खड़े व्यक्ति हैं, जिन तक साधन सुविधाओं है उसका उन्होंने कभी उपयोग नहीं किया था, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया शुरू से ही। और उनके जो गरीब और बेरोजगार लोग हैं, जो दलित हैं, जो साधनहीन हैं, वहाँ से विकास होता चला जा रहा है। चाहे आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपये दिए जा रहे हों, चाहे उनको तरह तरह की सुविधाएं दी जा रही हो, चाहे तीर्थ यात्राएं कराई जा रही हो, चाहे बच्चों की शादी कराई जा रही हो, सभी वर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रत्येक व्यक्ति की चिंता, प्रत्येक बहन की चिंता भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। और की चिंता की करोड़ों रुपये की राशि थी, आज हमने मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर एक अनूठा कार्यक्रम गुना में किया है। आज हमने कामकाजी बहनें जो बर्तन मांजती हैं, सफाई करती हैं, कपड़े धोने का काम करती हैं, ऐसी 5 बहनों को हमारे अतिथियों ने उनको स्वागत किया है, उनको साड़ी देकर उनको सम्मानित करने का काम किया है। इसी प्रकार से 5 ठेले वाले जो बेचारे पूरे दिन ठेला चलाकर
सामान इधर से उधर ले जाते हैं, उन पांचों लोगों को सफारी सूट देकर हमारे अतिथियों ने सम्मान किया है और पांच मजदूरों को भी आज सम्मान किया है। ये मध्य प्रदेश में एक अनूठा कार्यक्रम नगर पालिका परिषद के सहयोग से, हमारे अधिकारी और हमारे ठेकेदारों के सहयोग से हमने तय किया है कि नगर पालिका परिषद अब जो भी भूमि पूजन कराएगी, हम 15 लोगों को बुलाकर उनको इसी प्रकार से हम सम्मान गरीबों का करेंगे, क्योंकि गरीब भी हमारे एक अंग है। आपके कारण ही हम नेता हैं। अगर आप हमारे साथ नहीं है तो हमको कोई पूछने वाला नहीं है। बाढ़ के पार्षद नहीं बन सकते हम जब तक आपका मत हमारी पेटी में नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सब टोपी सरकार प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान, जो गरीब के नीचे तक अंत्योदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका परिषद ने हमारे लोकप्रिय जिलाध्यक्ष जी और विधायक जी के नेतृत्व में, हरि सिंह यादव जी सबके वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में, नगर पालिका परिषद ने एक अनूठा कार्य आज प्रारंभ किया है। हम नगर पालिका परिषद से जो भी भूमि पूजन कराएंगे उसमें हम 15 गरीबों को कपड़े देंगे, 5 बहनों को, कामकाजी बहनों को, 5 ठेले वालों को, 5 मजदूरों को। आज हमने 19 लोगों को, गरीबों को अच्छी सुंदर साड़ी, हल्की कपड़े नहीं, सुंदर साड़ी और सफारी सूट आज हमने जिलाध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी, माननीय हरि सिंह जी और सभी पार्षदों के साथ मिलकर गरीबों को, 19 परिवारों को आज हमने कपड़े वितरित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे नगर में विकास कर रही है। 80 लाख रुपए की हम बाउंड्री वाल हर स्कूल के बाहर बना रहे हैं। हमारे विधायक जी ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था कि जो स्कूलों की बाउंड्री नहीं है उसके लिए राशि लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, विधायक जी के सहयोग से हमें राशि उपलब्ध हुई और हम आज 80 लाख की पूरे नगर में बाउंड्री वाल बना रहे हैं। हर भूमि पूजन पर हम 15 परिवारों को सम्मान करेंगे और उनको सम्मान के साथ उनको कपड़े देंगे और हमें शांति मिलेगी। जिस दल में हम काम करते हैं, हमारे दल के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुखिया शिवराज जी ने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं, और नीचे तक गरीब तक जा रहे हैं, गरीब का इलाज करा रहे हैं, गरीब को शिक्षा दे रहे हैं, गरीब का विकास कर रहे हैं, गरीबों को। चाचौड़ा नगर से 3 किलोमीटर दूर संगीत में श्रीमद भागवत कथा के अंतिम दिवस कथावाचक श्री आनंद जी शास्त्री ने भगवान श्री कृष्ण के बचपन से लेकर युवावस्था तक का वर्णन किया। इसके साथ ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती के बारे में भी विस्तार से बताया। आज सुदामा चरित्र पर विस्तार पूर्वक महाराज आनंद जी शास्त्री ने कथा में आए हुए सभी श्रद्धालु एवं भक्तजनों को बताया कि उन्होंने भाईचारे के साथ रहने की भी बातें कही और इसके साथ ही उनके साथ आए हुए कलाकारों ने सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति भी दी। श्रद्धालुओं ने कथा के बाद भगवान श्री कृष्ण के भजनों पर नृत्य भी किया। इसके बाद प्रसादी वितरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसमें कई हजार श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की, साथ ही राधा कृष्ण नाम का जप भी कराया गया। इसके बाद पंडित श्री अनिल ब्राज जी ने सभी श्रद्धालुओं से 10 तारीख से प्रारंभ हो रहे गायत्री मंदिर पर कथा में अधिक से अधिक संख्या में आने का आग्रह भी किया तथा कथा का आनंद उठाने की अपील की। चाचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट।
मकसूदनगढ़ के बारौद गांव में दलित बच्ची की लाश अपने ही घर में फांसी के फंदे पर झूलती हुई पाई गई थी। इस मामले में अहिरवार समाज के लोगों ने 2 दिन का अल्टीमेटम प्रशासन को दिया था। 2 दिन के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ ही मकसूदनगढ़ थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई की मांग की गई थी, पर 2 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही मकसूदनगढ़ थाना प्रभारी पर कोई कार्रवाई की गई। इसी के चलते लोगों में आक्रोश देखने को मिला। दलित युवा संगठन ने पिता और रिश्तेदारों के साथ रैली निकालकर तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग एवं मकसूदनगढ़ थाना प्रभारी पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या देखने को मिलता है। फिलहाल ना ही आरोपियों की गिरफ्तारी इतने दिनों बाद हो पाई है और ना ही मकसूदनगढ़ थाने प्रभारी पर किसी प्रकार की कार्रवाई की गई है। यही कारण है कि लोगों में इतना गुस्सा देखने को मिला है। आज हमने जो ज्ञापन दिया है वो अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई प्रकरण में, मकसूद बारौद वाले प्रकरण में, और जो है क्या नाम से पुलिस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम लोगों ने आज तहसील में तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर मकसूदनगढ़ का स्टाफ हटाया जाए और जो है क्या नाम से अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। कल हमने आवेदन दिया था जिस पे प्रशासन ने हमको टिप दी थी, इसके बाद जो है उन्होंने हमें कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं दी। हमने कल दिया था, उसी दिन उन्होंने घुमाया फिराया, इसके बाद जो है क्या नाम आज सुबह आके उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हें कार्यक्रम करने की कोई अनुमति नहीं मिले। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। आखिरकार बनने ही लगी है मकसूदनगढ़ से जंजाली रोड। आपको बता दें कि बहुत दिनों से इस रोड के बनाए जाने की मांग उठाई जा रही थी, इसको लेकर टेंडर भी आमंत्रित किए गए थे। साथ ही इस रोड को बनने से भोपाल से गुना का रास्ता और भी सुगम हो जाएगा। सूत्रों की माने तो इस रोड के टेंडर की एक शर्त भी है, जिसमें 6 माह की कार्य अवधि के भीतर इस रोड को बनाना जरूरी है। आगामी 7 तारीख से इस रोड का कार्य शुरू हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि 6 महीने के अंदर बनने वाली इस रोड की गुणवत्ता क्या होती है और क्या ये वाकई 6 महीने में बनकर तैयार हो पाएगी। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में आरों में निकाला गया जुलूस, कई जगहों पर हुआ रैली का स्वागत। यह रैली न्यायालय से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई इंदिरा पार्क, गुलाबगंज, दास हनुमान मंदिर, बाईपास रोड होते हुए पुनः न्यायालय पहुंची, जहां पर कार्यक्रम का समापन हुआ। इस रैली में न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा, SDM अनिरविंद वाजपेयी, तहसीलदार श्री राठौर, डॉक्टर KK श्रीवास्तव आदि अधिकारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की गाइडलाइन में, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में माननीय अपने DJ साहब संजीव दत्ता के निर्देश में तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा राष्ट्र द्वारा कनेक्टिंग टू सर्व राष्ट्रव्यापी अभियान दिनांक 9/11/17 से 18/11/17 तक चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सामान्य जनता के बीच विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जो गतिविधियां चलाई जाती हैं उसके संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से ये पूरा 10 दिवसीय प्रोग्राम चलाया जा रहा है। प्रथम सोपान में हमने रैली का आयोजन किया था ताकि लोगों को इस चीज़ की जानकारी हो सके कि ये गतिविधि हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुकी है, और उनकी अभी इसके पश्चात हम दिनांक 10/11/17 को अपने यहाँ विधिक सहायता डेस्क की स्थापना करेंगे,
13, 11, 17 को हमारे जो वॉलंटियर्स हैं और अधिवक्ता पैनल हैं वो घर घर जाएंगे, लोगों को ये विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी देंगे, उनकी समस्याओं को पूछेंगे और यदि किसी व्यक्ति की ओर से कोई समस्या बताई जाती है तो उसका निराकरण विधिक डेस्क सहायता से किया जाएगा। ये टोटल कार्यक्रम आपका हमारा टोटल 10 दिवसीय कार्यक्रम है, 9/11 से 18/11/17 तक। इसका समापन हम निबंध प्रतियोगिता से करेंगे, तो ये समापन 18/11/17। धारों से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने आरोन रामलीला में आरती की, जिसमें 10,000 रुपए की राशि रामलीला मंडल को प्रदान की। इसके बाद आम नागरिकों के बीच में बैठकर रामलीला का आनंद उठाया। अनुशासित बनकर के जनता को विधायक के दर्शन करने और विधायक को जनता के बीच में आप अवरोध न बने, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ। आप तो देखेंगे ही, से हमारे सहयोगी राकेश जैन की रिपोर्ट। डीजीएनए न्यूज में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।